मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बे बावल में जनहित रैली को संबोधित किया। इस मौके पर खट्टर ने रेवाड़ी को करोड़ों रुपए की सौगात से नवाजा। खट्टर ने रेवाड़ी में सालों से चली आ रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल परियोजना के लिए 145 करोड़ की मंजूरी दी, तो वहीं दूसरी ओर नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के बाईपास के लिए 500 करोड़ रुपए भी मंजूर किए। इसके अलावा खट्टर ने मनेठी में एम्स और यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा भी की। इस मौके पर खट्टर ने कहा कि जल्द ही थारूहेड़ा रेवाड़ी के लिए 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा खट्टर ने कहा कि बावल थारूहेड़ा कोसली में सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपए की योजना है, जिसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं के हिसाब से जो मास्क बनाया गया उसमें अधिकांश बातें हमने जो की है, विषय ऐसे भी है जो बड़ी योजना है वो अगले वर्ष तक, जैसे पानी की बड़ी योजना है 145 करोड़ रुपए की, दो जगहों की बड़ी योजना है, उसके बाद इतनी छोटी योजना है सारे और होंगे, बाईपास रेवाड़ी का 500 करोड़ रुपये लगने वाला है, ज्यादा योजना में लाभ पाएंगे, ट्रॉमा सेंटर है इस प्रकार से उद्योग लिखने हैं, इस प्रकार ऐसे सब विषय जो यहाँ की जनता के लिए लाभ के लिए उपयोग के लिए जनता के लिए आवश्यकता। इस मौके पर सीएम खट्टर पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधना भी नहीं भूले। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के हर बड़े नेता और अधिकारी ने ऊपर से नीचे खाने का काम किया, लेकिन बीजेपी न खाएगी न खाने देगी। हरियाणा के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए, जितने राज आए, सबने अपनी अपनी अपने जिलों की सोची, चाहे वो भिवाड़ी जिला है, चाहे वो सिरसा जिला है, चाहे हिसार जिला, चाहे रोहतक जिला, लेकिन हमने कहा ये नहीं ठीक नहीं है। अगर कोई सरकार होती है, कोई मुख्यमंत्री होता है तो पूरे प्रदेश का होता है। बहुत पिछले नेता गुनगुनाते रहे एक नंबर एक नंबर एक नंबर, लेकिन जब हमने प्रदेश की स्थिति पर एक व्हाइट पेपर जारी किया तो हमने उसमें देखा पाया कि आज भी देश के सब प्रांतों में 11वें नंबर। इस जनसभा में मौजूद रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पर जल्द ही बड़ी घोषणा करने वाले हैं। वन पेंशन का फैसला किया जाएगा, हमारा चुनावी वायदा भी है, हमारे डिफेंस मंत्रालय की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को तजवीज हो चुकी है, जल्द ही इसका फैसला होकर के, और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे। गौरतलब है कि रेवाड़ी काफी हद तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, ऐसे में बीजेपी नई योजनाओं और घोषणाओं के जरिए प्रदेश के विकास पर तो फोकस कर ही रही है, कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का भी कोई मौका नहीं गंवा रही। खैर, राजनीति के सहारे ही सही, रेवाड़ी विकास के कौन से नए आयाम छूता है ये देखना दिलचस्प होगा। श्याम बाटला, टोटल न्यूज रेवाड़ी।